हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वन मंथ पहले मैं जिधर यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे जो वर्क कर रहा था, एक्चुअली मेरा जो पार्टनर है, मेरे कंपनी का एक स्टाफ है, एक्चुअली वो रेगुलर यहाँ पर फिक्स है, तो वो वेकेशन के लिए चला गया था 2 मंथ के लिए। तो मेरा 1 मंथ यहाँ पे ड्यूटी था, तो अभी एक्चुअली वो आ चुका है, तो मेरा यहाँ पर अभी ड्यूटी नहीं है। तो खाली सैटरडे के दिन ड्यूटी मेरा यहाँ पर, खाली सैटरडे के दिन जिस दिन उसका ऑफ रहेगा उस दिन ड्यूटी यहाँ पर मेरा है, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फ़ायदा बहुत है, स्टाफ के बारे में बहुत अच्छे से सोचा जाता है, तो सवेरे का नाश्ता भी है, लंच भी है और खाना भी एक फ़ायदा है यहाँ पर, बहुत खाना भी अच्छा रहता है, विद ऑयल जाए, मसाला भी मस्त एकदम, सवेरे का नाश्ता भी ज़बरदस्त रहता है। अभी मैं नाश्ता करके आ चुका हूँ, एकदम मस्त नाश्ता मस्त है एकदम। तो यहाँ पर एक चीज़ एकदम अच्छा है, और फल फ्रूट भी रहते साथ में, मतलब अच्छा है मतलब। चलो फिर, अभी ऊपर काम है मुझे, 20 माइल के टेरिस पे FHU का कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो रहा है, तो थोड़ा उसको जाके चेक करेंगे, थोड़ा सर्विसिंग भी करना है उसको। अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि एक मैंने कंप्रेसर का वीडियो डाला था, जो कंप्रेसर डेड हो चुका है, बड़ा कंप्रेसर है, 2 कंप्रेसर है, एक डेड हो चुका है, उसका डेड होने की वजह से उसका कॉन्ट्रेक्टर भी डेड हो चुका था, शॉर्ट हो चुका था, उसका एक्सीटर भी जो ब्रेकर है वो भी शॉर्ट हो गया था, तो मैंने ब्रेकर चेंज कर दिया था, कॉन्ट्रेक्टर से वायर निकाल के रख दिए। अभी वो कंप्रेसर का कोटेज दिया हो गया है, तो अभी जब आएगा वो चेक करके क्या है उसका सोल्यूशन निकालेगा। अभी एक कंप्रेसर चल रहा है, उसको एक कंप्रेसर चलेगा कितना, फिर लोड आ रहा है, लोड आके वो हीटअप हो रहा है, हीटअप होकर क्या वो बंद पड़ रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है। तो चलो देखते ऊपर क्या है, थोड़ा उसको सर्विसिंग भी कर लेंगे थोड़ा अच्छी तरह एकदम। तो बहरीन का क्लाइमेट तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हर हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर धूल उड़ता है, हवा में पूरा क्लाइमेट में धूल धूल हो जाता है, तो उससे क्या आउटडोर यूनिट का जो है उसका कंडेक्सर के अंदर पूरा धूल पकड़ लेता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं अभी उसको जाके थोड़ा पानी मार के क्लीन करेंगे, ठीक है। चलो फिर डायरेक्टली आप फिर अभी मैं ऊपर ही मिलता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, देखते क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ओके। चलो फिर, आप भी देख सकते हो इसका ये काम है, ये जो बड़ा कंप्रेसर है एक्चुअली, एक तो ये डेड है, एक तो शॉर्ट हो चुका है, इसको बंद करके रखा हुआ है, दूसरा भी इतना हीटअप हो रहा है ना, अभी मैं हाथ लगा तो इतना चटका लगा ना प्रेशर, उसका प्रेशर पाइप में बहुत हीटअप हो रहा है, हीटअप से और कूलिंग कर रहा ही नहीं, और सेक्शन पाइप में जरा भी कूल नहीं, एकदम नॉर्मल है एकदम, और डिस्चार्ज सेक्शन में इतना हीट है ना, वो हीटअप करके तो कर रहा है लेकिन सेक्शन में कूलिंग ही नहीं कर रहा है। देखते कुछ प्रॉब्लम है अभी, तो चलो इसको पानी सर्विस पानी मार लेंगे थोड़ा, थोड़ा टाइम उसको बंद करेंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, उसके बाद चालू करेंगे। बहुत हीटअप हो गया एकदम, कंप्रेसर इतना हीट हो गया ना, बहुत चटका लग रहा भाई, चटका एकदम, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पानी भी नहीं मार के लेते थोड़ा, ये देखो एक कॉइल है ना, देखो ये पूरा डस्ट पक्का, ठीक है, ये पूरा डस्ट है, पूरा डस्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरह पानी मार के लेते बस, और थोड़ा नज़ारा भी देखना चाहोगे, नज़ारा भी दिखाता हूँ इधर का, ये देखो ये बहरीन का नजारा। अभी धूप भी इतना कड़क है, शायद वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं जो है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
अभी मेरा सर्विसिंग करके हो चुका है, अभी मिनिमम कम आधा या एक घंटा तक उसको बंद रखेंगे। धूप भी है ऊपर एकदम कड़क धूप, तो एकदम ज़बरदस्त है, एकदम बहुत धूप है ऊपर, तो धूप में थोड़ा ये भी सूख भी जाएगा। उसके बाद चालू करेंगे, एक घंटा ड्राई होने के लिए रख देंगे उसे कंप्रेसर को। एक घंटे के बाद स्टार्ट, हीटअप भी बहुत हो गया था ना, एक घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम उसको आधा एक घंटा चलने देंगे। उसके बाद इसका गैस चेक करेंगे और सेक्शन में चेक करेंगे गैस पाइप और डिस्चार्जिंग, उसका प्रेशर चेक करेंगे कितना प्रेशर दे रहा है, कंप्रेशर पंपिंग बरबर कर सब चेक करेंगे अपन, ठीक है। और चालू करने के बाद एक घंटे थोड़ा आधा घंटे के बाद चेक करेंगे थोड़ा रनिंग होने के बाद, ठीक है। बस आया अभी बैठा हूँ, थोड़ा देखता हूँ और कोई दूसरा कंप्लेंट आएगा तो फिर वो कंप्लेंट अटेंड करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वही काम है, फिर जाके फिर आधा घंटा बैठ के थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। चलो फिर डायरेक्ट फिर उस टाइम पर जाके ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमने उसे 2 घंटा सर्विसिंग करने के बाद ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। देखते अभी ये तो एक डेडी है, ये तो उसको अभी देखते हैं, अभी ठंडा भी हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं। अभी सब ड्राई भी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। थोड़ा स्टार्ट करने के बाद थोड़ा गैस प्रेशर का, गैस का भी चेक कर लेते कितना प्रेशर है, ठीक है। चलो फिर चालू करें। चलो गैस चेस के लिए मैं गेज मीटर लगा चुका हूँ सेक्शन पाइप में, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। इधर होल किधर गया? अरे यार ये इसका अच्छा, हम लोगों ने मैं ये लगा के रखा था, पता नहीं इसका ये कौन निकाल के छोड़ दिया ये। सकता आपका आवाज आया रहेगा, चालू हो चुका है। देखते हैं अभी इसका प्रेशर क्या है, गैस अगर गैस कम रहेगा तो गैस भी डाल देंगे थोड़ा 20-25%, अगर 50 रहेगा तो 10-15% और डाल देंगे। कंप्रेसर से स्टार्ट हो चुका है, एक्चुअली इंडोर बंद नहीं किया था, इंडोर चालू और एक्चुअली कूलर उसका, अभी कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं अभी कितना कंप्रेसर कितना करंट ले रहा है वो भी चेक कर, कितना एम्पर ले रहा है वो भी चेक करेंगे, थोड़ा गेज मीटर पर चेक करते हैं कितना आवाज़ ये सब हो। करेंगे कंप्रेसर करंट कितना है, कितना एम्पर करंट ले रहा है, ठीक है। गैप तो मैंने 60 कर चुका हूँ, एक बार कंप्रेसर मैंने लगा दिया, अभी बंद करके रखा हूँ, 60 हो चुका है गैप करंट, एक बार चेक करते हैं कितना एम्पर ले रहा है। काफी है,
एम्पर ले रहा है, 38 एम्पर ये ले रहा है, ये आर है L1, आर 38 ले रहा है। टेंट पर 2 है, सेम है कुछ। अभी एक्चुअली एक कॉन्टैक्टर तो जो शॉर्ट हो गया था उसको ऐसे निकाल के रखे है, एक पे ही है, देख रहे हैं ये कितना है। सेम ही है 38 एम्पीयर 5, 38 2, देखते हैं अभी कितना क्या ले रहा है, चेक करते हैं फिर। ये है मेरा ही।